भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर को लेकर। अनुवेश रथ हमारे संवाददाता हमारे साथ तैयार है लेकर एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। जानते हैं कि क्या है खबर उनके पास, क्या है खबर आपके पास सर। इस बार जो खबर है वो BEL और BDL को लेकर है। ये दोनों कंपनियां जो है वो अर्मेनिया के साथ एक डील साझा कर सकती हैं, जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल की अर्मेनिया को दरकार है। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स अगर हमारे सूत्रों की मानी जाए तो यहाँ पे हो चुकी है। सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM जो मिसाइल सिस्टम होता है, BEL उसको बनाता है, वो सिस्टम खरीद सकती है, या फिर आकाश NG एयर मिसाइल सिस्टम, मीडियम रेंज एयर मिसाइल सिस्टम जो है सरफेस टू एयर, उसको खरीद सकती है। यहाँ पे BDL और BEL दोनों के साथ अर्मेनिया यहाँ पे बात करती हुई दिख रही है। और इसी के साथ साथ पूरे अमाउंट की अगर बात की जाए तो ये 3,000 से 4,000 करोड़ की डील हो सकती है। हालांकि अभी इसके टाइमलाइन पे कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता। हमारे सूत्रों के मुताबिक इसको हो सकता है कि 1.5 साल से 2 साल का वक्त लगेगा इसको अभी फाइनलाइज होने में, क्योंकि हाल ही में अर्मेनिया ने जो है वो भारत से BDL से ऑलरेडी आकाश एयर मिसाइल सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदा था, जिसका एरर परसेंटेज अगर आप माने तो एरर मार्जिन जो होता है वो +-3% होता है, जो कि बहुत अच्छा मिसाइल सिस्टम माना जाता है स्पेसिफिकली एयर टू सरफेस में। अब जब आप देखते हैं वहीं पे अर्मेनिया जो है वो ड्रोन सिस्टम में हिंदुस्तान से खरीदने की कोशिश कर रहा है। कई कंपनियों के साथ इनकी बात भी हो चुकी है। टाटा एडवांस सिस्टम उनमें से एक कंपनी हो सकती है जिसमें जिससे बात उनकी हुई है। और इसी के साथ साथ अर्मेनिया जो है हिंदुस्तान से सरफेस टू एयर मिसाइल और ड्रोन दोनों की दरकार कर रहा है। और अगर हमारे सूत्रों की मानी जाए तो यहाँ पे दो साल के अंदर अंदर ये डील कंप्लीट होने की बात की जा रही है, जो 3 से 4 हज़ार करोड़ की टोटल लागत हिंदुस्तान और अर्मेनिया के बीच में होगी। और हो सकता है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील भी संभव हो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकती है। और साथ ही से यहाँ पर कुछ मिसाइल्स भारत अर्मेनिया को सप्लाई कर सकता है, इसमें 3 से 4 हज़ार करोड़ का ऑर्डर हो सकता है। आप कह रहे हैं अनुवेश की BDL ये पहले कर चुका है, अब BEL भी ये कर सकता है, तो BDL और BEL दोनों के लिए ऑर्डर मिलने की संभावना? जी सर, इसमें BDL और BEL दोनों को संभावना है इस ऑर्डर में कंपीट करने की यानी कि मिलने की, क्योंकि BDL इससे पहले आकाश एयर मिसाइल सिस्टम अर्मेनिया को भेज ही चुका है। और इसी के साथ साथ अब जो नई स्टोरी अर्मेनिया के साथ यहाँ पे दिखती आ रही है, वहाँ BEL और BDL, क्योंकि BEL जो है वो MRSAM एयर मिसाइल सिस्टम जो होता है वो अर्मेनिया को बेच सकता है, वहीं BDL जो है वो आकाश NG एयर मिसाइल सिस्टम बेच सकता है, जो मीडियम रेंज एयर मिसाइल सिस्टम है। तो दोनों यहां पे हैं और दोनों की जो वो है वो 3 से 4 हज़ार करोड़ की हो सकती है, और दोनों इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये एक और खबर अनुवेश की तरफ से आती है। अनुवेश धन्यवाद ये बढ़िया खबर देने के लिए। तो बढ़िया एक्शन BDL BEL में आपके लिए, यहां पर जरा एक बार राय ली जाए BEL के शेयर पर भी और BDL पर भी। जरा एक बार शरद जी से जाने, शरद जी डिफेंस शेयरों पर खबरें अच्छी आती दिख रही है, बताएं सर क्या किया जाए? देखिए, ये न्यूज़ के बेसिस पे अगर 3 से 4 हज़ार करोड़ का ऑर्डर है तो मेरे हिसाब से BEL का साइज़ तो लगभग 20-21 हज़ार करोड़ के रेवेन्यू ऑलरेडी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं होगा। बट BDL ऑब्वियसली BDL के लिए काफ़ी मटेरियल है, 20,001 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 3-4 हज़ार करोड़ की सेल्स हैं, और अगर साल 1.5-2 साल का एग्जीक्यूशन टाइमलाइन रहता है तो मुझे लगता है BDL के लिए ये ज़्यादा बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ होगी, क्योंकि पिछले साल में टोटल ऑर्डर अक्रेशन भी बहुत स्ट्रांग नहीं रहा, बट ऑर्डर बुक अभी भी 20,000 करोड़ के आसपास है। तो BDL के लिए मेरे हिसाब से अगर ये कन्वर्जन होता है, जैसा अभी अनुवेश बोल भी रहे थे कि मोस्ट प्रोबेबली BDL ने ऑलरेडी इस टाइप का काम किया हुआ है, तो मुझे लगता है BDL के लिए ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। तो अगर दोनों में से एक चूज़ करना हो इस न्यूज़ के बेसिस पे, तो मुझे लगता है BDL को ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। ज़्यादा फायदे की बात यहाँ पर बनती दिख रही है।